हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू सुमन इमेजिनेशन। गाइस, आज हम करने वाले हैं ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर हेयर एडिटिंग को कैसे करें। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ओके सो गाइस, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाके ऑटोडेस्क स्केच बुक इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। तो गाइस, मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा, अब मैं इसको ओपन करूँगी। तो गाइस, ओपन करने के पहले आपको फोटोज़ पे जाना है और गाइस आपका जो फ़ोटो है उसको गाइस यहाँ पे शेयर कर देना है। तो गाइस, जैसे शेयर करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप लोग देख सकते हो हमारा फ़ोटो का जो हेयर है कुछ इस तरह का है। तो इसके बाद गाइस आपको जो करना है, ऊपर थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे गाइस आपको बहुत सारे ब्रश वगैरह आपको दिखने में मिल जाएगा। तो गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद गाइस आपको इस ब्रश को आपको दिखने में मिल जाएगा। इस ब्रश का नाम स्मार्ट ब्रश। तो गाइस आप इसको क्लिक करके ऊपर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्लो और स्ट्रेंथ दिखने में मिल जाएगा। तो आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो और साइज़ को भी आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे साइज़ को गाइस थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और फ्लो और स्ट्रेंथ को 48 और 71 के आसपास रख देंगे। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। और इसके बाद गाइस हम फोटो को इस तरह से जो है इरेज करेंगे। तो गाइस आप भी इस तरह से फ़ोटो को पहले इरेज कर लेना और आप यहाँ पे ब्रश का साइज़ को भी थोड़ा सा जो है इंक्रीज करके जल्दी जल्दी से इसको इरेज भी कर सकते हो। लेकिन गाइस हम यहाँ पे साइज़ को नहीं इंक्रीज करने वाले, हम इस साइज़ से ही इसको इरेज करने वाले। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो या फिर गाइस आप साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज करके भी कर सकते हो। और यहाँ पे गाइस हम इतना इरेज करने के बाद हम भी ब्रश का साइज़ को थोड़ा सा जो है इंक्रीज कर दिया और इसके बाद गाइस हम इस तरह से जो है फ़ोटो का हेयर को हम इरेज करेंगे, नहीं तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और गाइस अगर आप ऑटोडेस्क से रिलेटेड और भी हेयर एडिटिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए गाइस हमने बहुत सारे सेपरेट वीडियो बना के रखा। तो आप ऊपर आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर गाइस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके गाइस चेकआउट कर सकते हैं। तो फाइनली हम हेयर को इरेज कर दिए हैं। इसके बाद आपको फिर से ब्रश वाले ऑप्शन पे जाना है और फ्लो को 64 और स्ट्रेंथ को 88 के आसपास रख देंगे और साइज़ को 5 के आसपास रख देंगे। और इसके बाद गाइस फ़ोटो को अच्छी तरह से जो है जूम कर लेंगे और इस तरह से गाइस हम हेयर को जो है अच्छी तरह से एडिट करेंगे। तो गाइस आपको सिर्फ ऊपर इस तरह से जो है हेयर को खींचना पड़ेगा। तो आप फ़ोटो को जूम करो और इस तरह से गाइस हेयर के ऊपर इस तरह से जो है ऊपर खींचो। और यहाँ पे गाइस हमें साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। तो गाइस हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करके फिर से गाइस हेयर को इस तरह से जो है हम ऊपर की तरह इस तरह से खींच रहे हैं। तो आप भी इस तरह से हेयर को गाइस एडिट करना। और यहाँ पे गाइस आपको हेयर एडिटिंग करना देख के आपको लग रहा है कि हेयर को अच्छी तरह से जो है हम एडिटिंग नहीं करने वाले, लेकिन गाइस आपको अगर स्मूथ हेयर एडिटिंग है करना है तो आपको गाइस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना है, नहीं तो गाइस आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हम किस तरह से हेयर को इतनी अच्छी तरह से जो है सेट करते हैं। तो गाइस आपको जो है एकदम वीडियो का एंड तक देखना है तो तभी आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से हेयर को एकदम रियलिस्टिक हेयर एडिटिंग करते हैं। तो बने रहिए एंड तक हमारे वीडियो के साथ। और गाइस अगर आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन रिलेटेड हेयर एडिटिंग वीडियो चाहिए तो इसके लिए बहुत सारे हम सेपरेट वीडियो बना के रखें। तो आपको ऊपर आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर गाइस हम वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी वीडियो का लिंक डाल देंगे। तो आप वहाँ से जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो को थोड़ा सा हम फास्ट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम फाइनली जो है हेयर को एडिटिंग कर लिए हैं, लेकिन गाइस अभी भी एक चीज़ बाकी है, वो है गाइस हेयर को स्मूथ करना। क्योंकि गाइस यहाँ पे जो हम हेयर एडिटिंग किया वो गाइस थोड़ा सा जो है रफ टाइप का हुआ है। यहाँ पे इस हेयर को देख के रियलिस्टिक हेयर नहीं लग रहे हैं। तो इसको रियलिस्टिक हेयर बनाने के लिए गाइस और एक चीज़ जो है हमको करना है।
तो आपको गाइस एंड तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे गाइस स्मूथ टाइप रियलिस्टिक हेयर बनाने के लिए गाइस आपको जो करना है, इस ब्रश को फिर से सिलेक्ट करना है और गाइस यहाँ पे फ्लो को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है और स्ट्रेंथ को भी थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है। और इसके बाद गाइस इस तरह से जो है आपको थोड़ा सा हेयर के ऊपर गाइस इस तरह से फिर से आपको थोड़ा सा जो है गाइस ऊपर की तरह खींचना है। तो आप देख सकते हो हम हेयर को इस तरह से खींच रहे हैं, तो आप देख सकते हो हेयर बहुत ही स्मूथ टाइप का होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पूरे हेयर के ऊपर इस ब्रश को इस तरह से जो है ऊपर ऊपर से इसको इस तरह से चलाना है। तो गाइस आप जैसे चलाओगे तो आपको गाइस इस तरह का स्मूथ हेयर दिखने में मिल जाएगा। और गाइस आप इस ब्रश से ही और भी एक चीज़ कर सकते हो, वो है गाइस हेयर के बीच का जो लाइन है उसको गाइस आप इस तरह से जो है कर सकते हो। ओके सो गाइस, तो फाइनली हम हेयर को जो है अच्छी तरह से जो है गाइस एडिटिंग कर लिए हैं। तो आप देख ही सकते हो हम हेयर को कितनी अच्छी तरह से एडिटिंग कर दिए हैं। और इसके बाद गाइस आपको जो करना है हेयर के ऊपर एक फॉल्स लाइट डालना है। तो इस फॉल्स लाइट से गाइस हेयर को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे दिखने में। तो इसके लिए गाइस आपको जो करना है ऊपर सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है। और यहाँ पे गाइस हमारा जो इस लाइट है इसको गाइस हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस लाइट पे क्लिक करके यहाँ पे गाइस हम ब्लेंडिंग मोड को स्किन कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे हम स्किन कर देंगे। तो जैसे स्किन कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। और फिर से सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गाइस लाइट पीएनजी को ऊपर की तरह ले जाएंगे और हेयर के ऊपर गाइस इस तरह से जो है सेट करेंगे। तो आप देख सकते हो हेयर को गाइस यहाँ पे कितनी ज़्यादा और भी अट्रैक्टिव लगे दिखने में। तो आप भी इस तरह से गाइस फेक लाइटिंग यूज़ कर सकते हो हेयर के ऊपर। तो इसके बाद गाइस आपको जो करना है फ़ोटो को सेव करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर ऑप्शन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस पे क्लिक करोगे तो फ़ोटो सेव हो जाएगा। Savannah, I'm coming on, Savannah.